खानदेई पाक राज्य 12वीं शताब्दी की शुरुआत में अपने पहले लिखित संविधान के साथ राजा लोयुम्बा के अधीन विकसित हुआ। एंग्लो मणिपुर युद्ध के बाद 1891 में मणिपुर ब्रिटिश शासन के अधीन एक रियासत बन गया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मणिपुर जापानी और मित्र देशों की सेनाओं के बीच लड़ाई का स्थल था। महाराजा बोधचंद ने युद्ध के बाद मणिपुर को भारत में विलय करने के लिए परिग्रहण संधि पर हस्ताक्षर किए। मणिपुर को 1956 में केंद्र शासित प्रदेश और 1972 में पूर्ण राज्य बनाया गया। मणिपुर का इतिहास पुरातात्विक अनुसंधान, पौराणिक कथाओं और लिखित अभिलेखों के माध्यम से परिलक्षित होता है। यह क्षेत्र अपने पड़ोसियों के बीच अलग अलग नामों से जाना जाता था, जिनमें कासे, कैथे और मैकली शामिल थे। पूर्वोत्तर भारत में पुरातात्विक अनुसंधान सीमित है, लेकिन मणिपुर में पुरापाषाण और नवपाषाण स्थल हैं। प्रारंभिक आधुनिक काल में कांगलेई पाक राज्य का उदय और मैतेई वैष्णववाद का प्रसार देखा गया। मणिपुर को अपने इतिहास में विभिन्न चुनौतियों का सामना करना पड़ा है, जिनमें आक्रमण, युद्ध और आधुनिक इतिहास लेखन संबंधी विवाद शामिल हैं।